नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया, पूर्व विधायक अजय महाजन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बौगलाहट में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जनता के विकास की बजाय अनाप शनाप बयानबाजी करके मात्र अखबार की सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहना है नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन का। नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने जसूर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बौखलाहट से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जनता के विकास की बजाय अनाप शनाप बयानबाजी कर मात्र अखबारियों की सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेढ़ वर्ष के कार्यशैली को देखते हुए आम जनता उनसे बेहद हताश है। नूरपुर में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है और नूरपुर सिविल अस्पताल को ओपीडी डॉक्टरों की स्थिति ओपीडी रूम बदलने से असमंजस में पड़ी हुई है और चार चार डॉक्टरों को मात्र छोटे से कैबिन में बिठा दिया गया है, जिससे मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अजय महाजन ने तंज कसते हुए कहा कि क्या इसी को विकास बोला जाता है। रही बात कांगड़ा चंबा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के राजनीतिक गुरु के बारे में, वे चिंता ना करें, पहले अपने राजनीतिक सफर के गिरिबान में झांकें। महाजन ने कहा कि जनता पार्टी के दौरान वे विजय सिंह मनकोटिया के दल में भी थे, फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और हारे। दूसरी दफा टिकट ना मिलने पर आजाद प्रत्याशी के रूप में जीते। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बारे में ही उन्होंने सार्वजनिक टिप्पणी में कहा था कि मैं धूमल का हनुमान हूं। फिर जब पार्टी में कोई तवज्जो नहीं मिली तो धूमल के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी की थी कि ना कोई मेरा राम है और ना ही मैं किसी का हनुमान हूं। कभी शांता कुमार की झोली में बैठ जाते हैं और जरूरत पड़े तो धूमल के हनुमान भी बन जाते हैं और अब जेपी नड्डा के खेमे में विराजमान है। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया से प्रश्न करते हुए कहा कि आप अपने राजनीतिक गुरु का फैसला करें ताकि आपकी मनोदशा का सुधार हो सके, विकास कार्यों की तरफ भी ध्यान रखें ताकि जनता से किए हुए वायदे तो पूरे हो सकें। अजय महाजन ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणियां की हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर भी बहुत ही शर्मनाक टिप्पणियां होती रही हैं। इनकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ती ने राधा स्वामी पर जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में जो टिप्पणी की है वो काफी शर्मनाक है और सत्ती को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दुख की बात है, शर्मनाक बात है, दुख की बात है कि इनके जो स्टेट के प्रेसिडेंट है, इन्होंने बरसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कोई ऐसी टिप्पणियाँ की और हमारी जो जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका जी, उनके बारे में भी बहुत गलत टिप्पणियाँ की। बहुत शर्मनाक बात है और इसको हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इससे साथ एक और बहुत जो इन्होंने एक मतलब गलत बात की, राधा स्वामी जी जो राधा स्वामी हैं उनके ऊपर जो एक टेप चला हुआ है वायरल हो रहा है उनके बारे में जो उन्होंने टिप्पणियाँ की वो बहुत ही एक शर्मनाक है। इनको सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से राधा स्वामियों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल जी से मांगनी चाहिए, प्रियंका जी से मांगनी चाहिए और सारा जो सेक्टर राधा स्वामियों का उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि राधा स्वामी जो हैं उनकी सब समाज में बहुत इज्जत करते हैं और इन्होंने उनको उस स्तर पे लेके खड़ा कर दिया कि जैसे कि वो एक बहुत ही मतलब मैं शब्द नहीं बोलना चाहता यहाँ पे उनके बारे में, पर इसके बारे में एक बहुत पीड़ा भी हुई, दुख भी हुआ और मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूँ इनको बीजेपी वालों को उनसे खुले मंच के ऊपर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए।